चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करने जा रहे हैं मूव टूल का यूज। मूव टूल यूज करने के लिए सबसे पहले आप फोटोशॉप में कोई इमेज ओपन कर लीजिए, जिस भी इमेज पे आपको काम करना है। जैसे कि अभी मैंने ये इमेज ओपन कर ली है। अभी आप देख रहे हैं ये इमेज एक बैकग्राउंड लेयर में है, और बैकग्राउंड लेयर पे मूव टूल काम नहीं कर पाता। जैसे कि अभी मैं इसको कहीं भी मूव करने की कोशिश करूंगा, ये देखिए ये ऑप्शन आ गया है इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो या तो मैं इसको यहाँ से नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लूँ, जैसे कि ये मैंने कर लिया, और इसको फिर मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ कैसे भी। और अगर आपको ये यहाँ से नहीं करना है तो आप जस्ट बैकग्राउंड लेयर पे जाएं, और ये यहाँ पे जो आपको लॉक इंडिकेट हो रहा है इसको जस्ट क्लिक करें। यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल लेयर बन गई है। अब इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके इमेज के एजेस पे आपको कुछ नोड्स दिखाई दे रहे हैं। इन नोड्स के हेल्प से आप इमेज का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको आप किसी भी एंगल से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें जो नोड्स आए हैं, इन नोड्स पे काम करने के लिए जैसे आप इन पे राइट क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, जिनकी हेल्प से आप इमेज को स्केल अप, स्केल डाउन या अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। देखिए रोटेट। अब अगर आपको इमेज को किसी भी एंगल पे रोटेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट, देखिए इसमें आप फ्री हैंड इमेज को कैसे भी मूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रोस्पेक्टिव पे। इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली किसी नोड्स पे रख के उसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये उसी एंगल पे इसको छोटा कर देगा, वैसे ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये दोनों तरह से ही काम करेगा। इस पर आगे जाते हैं वार्प पे। वार्प होता है किसी भी इमेज या मोटिव्स को हम कैसे भी बैंड कर सकते हैं। वार्प की हेल्प से हम इसको कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हैं, जैसे भी आपको इमेज को करना हो। अब चलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि मैंने इस इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर लिया है, और मूव टूल लेते हैं और इसी में आप देखेंगे इससे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं किसी इमेज को। ये देखिए कंट्रोल और अल्ट की हेल्प से ये देखिए मूव टूल का साइन चेंज होता है, और ये कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी इमेज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए तो इससे आप किसी भी इमेज को कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं, और इसको आप बिल्कुल अलाइन वे में भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और साथ में मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, और ये बिल्कुल अलाइन वे में कॉपी होगा। अंडू। अब चलते हैं मूव टूल के ऑप्शन बार पे। मूव टूल के ऑप्शन बार पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट होता है अगर आपको किसी भी लेयर पे जाए बिना उसको मूव करना है। जैसे कि अब मैं, मेरी इमेज अभी ये सिलेक्ट है और मुझे इस इमेज को मूव करना है, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा। देखिए जिस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा ऑटो वही लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ तो उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट किसी भी इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो काम नहीं करेगी, पर उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट लेयर में जाना पड़ेगा। ये सारा मेरे को फ्री हैंड ही
करना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ ऑटो सिलेक्ट। इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, ये है लेयर्स जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें नीचे ऑप्शन हमें मिलता है ग्रुप का। ग्रुप को यूज करने के लिए आपके पास को जितनी भी लेयर का ग्रुप बनाना है उन लेयर्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके और तीनों लेयर को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल जी, ये एक ग्रुप बन गया। अब आपको जब इमेज पे किसी पे भी क्लिक करके उसको मूव करेंगे, ये पूरा ग्रुप का ग्रुप ही एक साथ वर्क करेगा। ये देखिए, ये आपका एक अलग से ग्रुप बन गया है। और इसके ग्रुप के अंदर अगर मेरे को किसी इमेज पे वर्क करना है तो मेरे को सेपरेट यहाँ से ग्रुप को हटा के दोबारा लेयर ही करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप लेयर, चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, तो ये होता है जो आपको किसी भी इमेज पे ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं जो हम इसके सिलेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हमें यहाँ से शो करता है। अगर मैं इसको बंद कर दूँगा यहाँ से, उसके बाद इमेज मूव करेगी, सिलेक्ट होगी, पर हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसको ऑन रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें अलाइनमेंट टूल्स पे। अब आप इसमें देखेंगे ये है अलाइन लेफ्ट एजेस। आपको अगर अपनी सारी इमेजेस अलाइन करनी है लेफ्ट एजेस पे, तो आपको इमेजेस अपनी सिलेक्ट करनी है और लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये आप बिल्कुल अलाइन हो जाएंगी लेफ्ट की तरफ। उसी तरह राइट करना है तो ये राइट की तरफ हो जाएंगी जो भी इमेजेस आपने सिलेक्ट की है। और वैसे ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे की तरफ और ये सेंटर। अब आगे इसमें हम अगर देखेंगे, जैसे इस ये इमेज एकदम सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सेंटर में आ गया है। आगे चलते हैं हम, इसी में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो ऑप्शन आप अभी ऑप्शन बार में ऊपर यूज कर चुके हैं, ये सेम वही ऑप्शंस हैं, बस आपको यहाँ पे भी अलग से एक्सप्लोर करने के लिए दे रखे हैं। इसी में हम देखेंगे कि अलाइन सिलेक्शन के हिसाब से और कैनवस के हिसाब से। सिलेक्शन के हिसाब से जो अभी तक हम कर रहे हैं, ये सारी लेयर्स सारी इमेजेस सिलेक्ट करके जो हम वर्क कर रहे हैं वो सिलेक्शन के हिसाब से हो रहा है। अब करते हैं कैनवस के हिसाब से। कैनवस होता है जो हमारा ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के हिसाब से अलाइन करने के लिए तो सबसे पहले हम इमेजेस सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको टॉप एज की तरफ अलाइन करेंगे। ये देखिए, उसको सेंटर की तरफ भी आप कर सकते हैं, उसको बॉटम की तरफ कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। तो सारा मैं एक साथ सिलेक्ट करूँ, लेफ्ट राइट सेंटर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप हर तरह से इस पर यूज कर सकते हैं। और सिलेक्शन मैं दोबारा ले रहा हूँ, इससे सिर्फ आप इमेज पे ही काम कर पाएंगे। कैनवास के लिए आपको कैनवास टूल लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मूव टूल का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। और आगे के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो, आर्ट बोर्ड कैसे रेडी करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी वीडियो की सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए धन्यवाद।